हेलो फ्रेंड्स, मैं चैनल सही टाइम में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो असम रेफरल्स कॉम्पेंसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट की जो रैली मैंने आपको बताया था 3 से 4 दिन पहले। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पूरा वैकेंसी का क्या क्या वैकेंसी था उसका मैंने पूरा बताया था। तो मैं आज बता देना चाहता हूँ कि जो कि असम रेफरल्स कॉम्पेंसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट का जो कि वेबसाइट पर आपका देखने को मिल जाएगा, आप वेबसाइट पर आपको चढ़ा दिया गया है, तो आप जाकर उस पर देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या 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 है। आज मैं पूरा आज डिस्कस करेंगे आज कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में पूरा डिस्कस करेंगे, और ये भी बताऊंगा मैं कि इसके अंडर में कौन कौन आते हैं, तो आज सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चले फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम नए नए ऐसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये फॉर्म जो कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्म जो कि ऑफलाइन ही भरा जाएगा, ना कि ऑनलाइन। ऑफलाइन वो भी भरा जाएगा, आपको मालूम है जो कि DGR जो कि लाइफ कोर्स शिलोंग जो कि असम रेफरल्स का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आपका ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे। वहाँ पर आपको मैं PDF के थ्रू हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, जो कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो आया है असम रेफरल के वेबसाइट पर, मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊँगा। लेकिन पहले सुन लीजिए जो जो डाउट जो कि जिसका इसका जो डाउट है वो क्लियर करते हैं पहले। तो पहला डाउट है कि कॉम्पिटिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट में कौन कौन आते हैं। बहुत लोगों का डाउट है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ओन सर्विस जिसके पिताजी सर्विस कर रहे हैं वो इसके अंडर आते हैं कि नहीं, और बहुत लोग बोल रहे हैं जिसके पिताजी वॉलंटरी रिटायरमेंट जो कि पहले जो कि 60 ईयर्स एज होता है उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लिए हों, उससे पहले जो रिटायरमेंट ले लिए हों वो भी क्या इसके अंडर आते हैं या नहीं। मेडिकली प्रॉब्लम जैसे कि किसी के पिताजी शुगर का प्रॉब्लम से बाहर आ गए हों, किसी का बीपी से भी हो जाता है, किसी का कुछ अन्य प्रॉब्लम हो जो कि आ गए हों, इसके अंडर आते हैं कि नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, पहला कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में सिर्फ वही बंदे आते हैं जिसके पिताजी जो मुठभेड़ के दौरान शहीद हो जाना, जैसे कि कोई मुठभेड़ हुआ किसी में शहीद हो गए, वो उसमें ये कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में आते हैं वो। दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ, दूसरा जो कि ड्यूटी के दौरान जो कि ऑन ड्यूटी मिस हो गया, जैसे कि गुम हो जाना ऑन ड्यूटी, उसको वो भी इसके अंडर आते हैं। तीसरा जो कि ऑन ड्यूटी डेथ हो गया हो या फिर किसी कारण की वजह से उनका डेथ हो गया हो ऑन ड्यूटी में, तो ये भी इसके अंडर आते हैं। और चौथा है कि जिसका मेडिकली प्रॉब्लम लिखा गया है मेडिकली ग्राउंड, जो कि आपको नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें लिखा हुआ है कि कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में मेडिकली जो ग्राउंड जो कि रिटायरमेंट लिए हैं वो भी आते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ जो कि मेडिकली ग्राउंड में कौन कौन आते हैं, बता देना चाहता हूँ। जिसके पिताजी जिसके मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में वो इंजर्ड हो गए हों वो इसके अंदर आते हैं। तो मैंने सब बता ही दिया फ्रेंड जो कि कॉम्पिटिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट में कौन कौन आते हैं, लेकिन मेडिकली ग्राउंड में बता ही दिया जो कि इंजर्ड जवान जो कि इंजर्ड हो जाते हैं किसी कारणवश, जैसे कि कोई गोलीबारी में मुठभेड़ के दौरान गोली लग जाना, गोली लगने की वजह से वो इंजर्ड हो गए, इंजर्ड की वजह से वो मेडिकली रिटायरमेंट लेना पड़ गया, वो इसके अंदर आते हैं, ना कि क्योंकि शुगर वाले ना या बीपी ये सब कोई अन्य प्रॉब्लम की वजह से ये सब इसके अंदर नहीं आते। तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ऑन सर्विस जो जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं जो ऑन सर्विस में जिसके पिताजी ऑन सर्विस में हैं वो भी इसके अंदर नहीं आता है। सिर्फ कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में सिर्फ चार ही लोग में आते हैं जो कि शहीद हो जाना, मिस हो जाना या फिर डेथ कर दिया हो या फिर इंजर्ड जवान जो कि मेडिकली रिटायरमेंट ले लिए हो, ये सब आते हैं। तो यही सब है फ्रेंड्स, आज पूरा कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट का पूरा बात करेंगे, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या 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 रहने वाला है, क्या ऑफलाइन क्या क्या होगा, डेट लास्ट डेट कब है, इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सब मैं PDF के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम PDF के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला, इसमें लिखा गया है जो कि नोटिफिकेशन, ये आपको असम रेफरल्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। लास्ट डेट देख सकते हैं आप, ऑफलाइन फॉर्म है मालूम होगा आपको, ऑफलाइन फॉर्म 1 मार्च 2021 जो कि लास्ट डेट रखा गया है। और नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा, द रिक्रूटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ असम रेफरल्स पर्सनल किल्ड इन एक्शन, पहला डाइड वाइल इन सर्विस जो कि सर्विस के दौरान डेथ हो जाना, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड जो कि जो इंजर्ड जवान जैसे कि कुछ मुठभेड़ में इंजर्ड हो जाए उनके वजह से उन्हें मेडिकली रिटायरमेंट लेना पड़े वो हो गए। फिर वाइल मिसिंग वाइल इन सर्विस जो कि सर्विस के दौरान मिस हो जाना, तो ये सब केस आते हैं 4 जो कि कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में आते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो कि ऑफलाइन होगा, मैं आपको ऊपर से जो मेन पॉइंट है बता दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हैं, आप नोटिफिकेशन जाके रीड कर सकते हैं आप बढ़िया से। देखिए 6 अप्रैल 2021 से जो कि
रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा तो कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट का 6 अप्रैल से पहला जो कि फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बाद जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेगा मेडिकल, इनका इनका पोस्ट देख सकते हैं आप, इनका वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, आप देख सकते हैं आप। जीडी में जो कि 87, क्लर्क में 15 पोस्ट दी गई है, उसी के हिसाब से एक एक जो कि ट्रेड एक दो करके दिया गया है। टोटल वैकेंसी 134 है, देख सकते हैं इसमें हिंदी में दिया गया है पूरा प्रॉपर। कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में कौन कौन आते हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देख सकते हैं आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं प्रायोरिटी वन कौन कौन आते हैं कॉम्पनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट, इन्होंने अच्छी तरह से बता दिया गया है। तो ये आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं इसमें फिजिकल का बात किया गया है, तो कि आप लद्दाख को छोड़ के मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8:30 में आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो लद्दाख को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6:30 में, लद्दाख वालों को मेल कैंडिडेट का, फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर की रन होगी जो कि 4 मिनट में कम्प्लीट करना होगा। और रिटर्न टेस्ट इसमें नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स, इसमें रिटर्न टेस्ट माफ़ होता है। इसमें रिटर्न टेस्ट माफ़ होने पर आप ट्रेड टेस्ट में पहुँचते हैं, उसके बाद आप मेडिकल में। अब देखते हैं अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, क्योंकि जीडी के लिए राइफलमैन का पोस्ट होता है ये 10वीं पास चाहिए आपको, 18 से 23 साल होना चाहिए। ऐसे ही क्लर्क का जो कि हवादार का वो होता है पोस्ट, 10+2 चाहिए। इसमें स्किल्स टेस्ट देख सकते हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक एक पढ़ाऊँगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। वैसे ही पीए के लिए भी 10+2 चाहिए और ट्रेड स्किल्स तक देख सकते हैं आप। वैसे ही लाइनमैन फील्ड के लिए मेल कैंडिडेट के लिए है सिर्फ 10th पास चाहिए, डिप्लोमा आईटीआई चाहिए, इलेक्ट्रिशियन से देख सकते हैं आप। उसमें लाइनमैन में आपको ट्रेड के बारे में भी जानकारी दिया है कि ट्रेड टेस्ट कैसे कैसे पूछा जाएगा। वैसे ही रेडियो मैकेनिक भी आप देख के पढ़ सकते हैं, और आर्मोरर हो गया, आर्मोरर जो कि 10th पास चाहिए, 10th पास का वो होता है आर्मोरर का जो कि 18 से 23 साल चाहिए। और ट्रेड टेस्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं जो कि नोटिफिकेशन आपको पढ़ के। वैसे ही इलेक्ट्रिशियन का भी है 10th पास, और आपके आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से। वैसे ही प्लम्बर है, प्लम्बर भी आपको 10th पास चाहिए, आईटीआई होना चाहिए प्लम्बर से। फार्मासिस्ट भी ऐसा ही है जो कि डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट 10th+2 होना चाहिए, प्लस आपका फार्मासिस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट का भी वही है। ये सब आप जितना मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको नोटिफिकेशन जो कि आपको असम रेफरल्स का वेबसाइट पे मिल जाएगा। वीडियो पोस्ट करके आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स अच्छे से। सबका 10th पास चाहिए, किसी में आईटीआई चाहिए, किसी में डिप्लोमा चाहिए, बस यही है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने से लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही हम नए नए वीडियो बना